वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद पारुल, होप एवरीवन इज फाइन। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लोर किया था बागा बीच, जहां हम पहले टीटोस लेन घूमे और ट्राई किया वहां का कुछ स्ट्रीट फूड और फिर वहां पे थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की। उसके बाद हम गए बागा बीच, जहां पे न्यू ईयर और क्रिसमस की बहुत सुंदर डेकोरेशन थी, जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं। वहां की हर शैक पर जबरदस्त रौनक थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा स्टॉप है वो है अगवाड़ा फोर्ट। तो चलिए फटाफट पहले वहां चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं आज। जैसा कि आप जानते हैं, हमने स्टे लिया है प्रीमो बॉम तेरा वर्दे में, जो कि बागा से सिर्फ 1.8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं अगवाड़ा फोर्ट, जो कि इस रिजॉर्ट से सिर्फ 9.6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ का जो टाइमिंग्स है वो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक, जिसका की टिकट प्राइस है 25 रुपीज पर हेड। और यहाँ बिलो 15 ईयर्स की जो है एंट्री फ्री है। सेकंड, प्री और पोस्ट वेडिंग फोटोग्राफी यहाँ पे अलाउड नहीं है। थर्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंट, फोटोग्राफी जो है स्टैंड के साथ अलाउड नहीं है। फोटोग्राफ्स और वीडियोस हाथ से ही बना सकते हैं। हम जब लास्ट ईयर आए थे तो बिल्कुल भी क्राउड नहीं था, न्यू ईयर और क्रिसमस को करके इस टाइम पे इतना क्राउड है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, फोर्ट के बाहर मैंने आपको दिखाया बहुत सारे स्टॉल्स हैं, जहाँ हम अपनी टू व्हीलर या फोर व्हीलर पार्क कर सकते हैं। पार्क करने के बाद वहीं पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं, अगर आपको हैट परचेज करनी है, खाना पीना है, तो वहाँ पे खा सकते हैं। फोर्ट एंटर करते ही थोड़ा सा आप आगे आएंगे 500 मीटर, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए नीचे पब्लिक कन्वीनियंस है। अगर टॉयलेट वॉशरूम को चूज करना है तो आप जाके वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से है फोर्ट अगोड़ा की एंट्री। तो गाइज, फोर्ट जाने के दो रास्ते हैं, एक आप मेरे पीछे देख सकते हैं और एक इधर आप राइट में देख सकते हैं, जो स्टेयर्स चढ़ के ऊपर ओशन व्यू ऊपर से आप एंजॉय कर सकते हैं। तो हम चलते हैं इधर वाले रास्ते से जो स्टेयर्स के ऊपर जाता है। तो चलिए फटाफट चलते हैं। तो गाइज, जो स्टेयर्स रास्ता आता है ना, वो अगवाड़ा फोर्ट का ये अपर पार्ट है। तो चलिए, वहाँ पे एक बहुत सुंदर सा व्यू पॉइंट है जहाँ से पूरा ओशन व्यू बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदर दिखता है। तो चलिए फटाफट वहाँ चलते हैं, वहाँ का एंजॉय करते हैं व्यू। तो गाइज, अगवाड़ा का एक्चुअली में मीनिंग है प्लेस ऑफ वाटर, से सिर्फ पानी की जगह, पोर्चुगीज में इसका यही मतलब है। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो बिल्कुल स्टार शेप है इसका, ऊपर से व्यू इसका। और आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है अभी, तो ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा बहुत इसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो फोर्ट में जो रूम्स हैं वहाँ पे, यहाँ पे गन पाउडर रूम है, यहाँ पे हाउस ऑफ कैप्टन फोर्ट है, वाटर टैंक है, लाइट हाउस है, जो कि चारों तरफ सिर्फ पानी से ही, इसी की वॉल से कनेक्टेड है और चारों तरफ पानी ही पानी है इसके। तो चलिए गाइस, आगे चलते हैं और आगे एक्सप्लोर करते हैं इसको और। तो गाइस देखिए, ब्रिज कनेक्ट होता है अपर पार्ट से ऑपोजिट साइड जाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे लोग इस तरीके से, यहाँ पे आप ऑपोजिट साइड भी जा सकते हैं, ऑपोजिट साइड से इस साइड भी आ सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज भी हो रही है ऊपर फोर्ट पे। जो आपको लाइट हाउस बता रही थी वो देखिए, आप वो है लाइट हाउस यहाँ का। गाइस देखो, मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत गर्मी है इस टाइम पे, तो प्लीज़ अपनी वाटर बॉटल जरूर कैरी करके रखिएगा अपने साथ। तो गाइस, आप जो मेरे पीछे लाइट हाउस देख पा रहे हैं, ये 10 मीटर्स टॉल है और 12 मीटर्स इसका डायामीटर है। पहले ये 7 मिनट्स में लाइट एमिट करता था, लेटर इसमें 30 सेकंड्स के इंटरवल में लाइट एमिट करता है ये, क्योंकि 1976 में एबंडन कर दिया गया है, इसलिए इसके नियर बाय ही कहीं दूसरा नया लाइट हाउस बना दिया गया है। आप देख पा रहे हैं इस टाइम पे जहाँ मैं खड़ी हूँ, ये बहुत बड़ा वाटर टैंक हुआ करता था एक टाइम पे, जहाँ 23,76,000 वाटर स्टोर किया जा सकता था। यहाँ पे जब रेनफॉल होती थी ना, तो यहाँ पे रेन वाटर भी स्टोर किया जाता था। यहाँ पे नियर बाय और जितने आसपास के जितने शिप्स हैं ना, उनको भी सप्लाई की जाती थी यहाँ से। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैं इस टाइम पे हूँ अगवाड़ा फोर्ट के एकदम टॉप पर, और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं कितना ही सुंदर व्यू है। राइट में मुझे सनसेट दिख रहा है और इतनी सारी शिप्स, इतना सुंदर सिर्फ पानी ही पानी, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है गाइस।
गाइस अगर आप सनसेट व्यू एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो एक अगोड़ा फोर्ट और एक चप्पूरा फोर्ट दो बेस्ट फोर्ट्स हैं जहाँ बहुत सुंदर सा सनसेट एंजॉय कर सकते हैं, साथ में इतना बड़ा ओशन और इतना सुंदर। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था, ये लाइट हाउस अब पुराना हो चुका है, ये अब मेरे लेफ्ट में देख रहे हैं, मैं आपको नया लाइट हाउस दिखाती हूँ। अगोड़ा फोर्ट के एकदम टॉप से दिखता है जहाँ आप सनसेट पॉइंट पर आते हैं देखने एंजॉय करने, तो आप देख सकते हैं दूर से वो नया वाला लाइट हाउस, वहाँ पर आप देख सकते हैं हर 30 सेकेंड्स में लाइट जो है एमिट हो रही है। तो गाइस अगोड़ा फोर्ट में इतना ही है देखने के लिए, चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप खड़े होकर फोटोग्राफ्स खिंचवा सकते हैं और वहाँ पे बहुत सुंदर सा मेसमराइजिंग सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं अगोड़ा फोर्ट से एग्जिट और हम पहुंच रहे हैं अपनी न्यू डेस्टिनेशन जो कि है कैंडोलिम बीच, सिर्फ यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कैंडोलिम बीच जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी एंट्री है। यहीं पे पार्किंग लगाने के बाद एक स्ट्रेच है जो बहुत अच्छा से यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं हर तरीके की। अगर आप सोवेनियर लेना चाहते हैं यहाँ पे टैटू पार्लर्स हैं, कोकोनट वाटर की शॉप्स हैं। चलते चलते इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी भुट्टे की तो मैं रुकी एक स्टॉल पर भुट्टा खाने के लिए और साथ में देखे बहुत फ्रेश फ्रूट वो भी हमने लिए। चलिए चलते हैं फटाफट से कैंडोलिम बीच की तरफ। बीच पे एंटर करते ही बहुत अच्छी सी रिलैक्सिंग वाइब आएगी। शैक्स एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, क्राउड भी एकदम सटल है आप देख सकते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें बागा और कैलंगूट में आप देख सकते थे कितना लाउड म्यूजिक था वहां, तो मतलब बैठना भी मुश्किल हो रहा था। तो यहां आप देख सकते हैं बहुत सटल क्राउड है, कोई लाउड म्यूजिक नहीं है, आप इवनिंग बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं कंपैरेटिवली बागा और कैलंगूट के। तो हम बैठे एक शैक पर कुछ खाने के लिए और सामने ही भैया कुछ फायर शो कर रहे थे, तो चलिए मिलके करते हैं पहले इस फायर शो को एंजॉय। मुझे तो फायर शो बहुत पसंद आया बट सुबह से चलते चलते बीच पर पैरों की इतनी बैंड बच चुकी थी तो मन किया कुछ लोकल से फुट मसाज कराने का, जिसके कि मैंने पे किए 200 रुपीज पर पर्सन 20 मिनट्स की फुट मसाज के। इतनी रिलैक्सिंग से फुट मसाज कराने के बाद हमने एंजॉय किया थोड़ा सा बीच पर और यहीं पर देखा कि यहाँ पे पैरासेलिंग और जितने भी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज बागा और कैलंगूट पे होती थी वो यहाँ पे भी होती है। तो अब हम निकल पड़े हैं अपना डिनर करने के लिए फैट फिश जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट है नॉर्थ गोवा का, आप जानते ही हैं। तो चलते करते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस। तो अगर आपने इसके ऑनलाइन रिव्यूज पढ़े होंगे तो आपको पता होगा फैट फिश फेमस है अपने सी फूड के लिए। फिलहाल तो यहाँ पे 40 मिनट्स की वेटिंग, तो पहले सीट मिलती है तो फिर एंजॉय करते हैं। तो फाइनली 40 मिनट्स की वेटिंग के बाद हमको मिल चुकी है सीट और अब हम 15-20 मिनट से यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं कि कोई आके हमारा स्पेशली ऑर्डर ले। मैं अपने आसपास भी देख पा रही थी कि लोगों ने कुछ ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, उनके भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके ऑर्डर डिलीवर नहीं हो रहे थे, कोई ऑर्डर हमारा लेने नहीं आ रहा था। तो हाफ एन आवर की वेटिंग के बाद जब मेरा कोई ऑर्डर लेने नहीं आया तो फाइनली मैं यहाँ से उठ के चली गई, बहुत डिससैटिस्फाइड थी मैं यहाँ पे आके। तो गाइस गोवा का वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट है फैट फिश रेस्टोरेंट बार, हम आधे घंटे से यहाँ पे ऑलरेडी वेट कर रहे थे वेटिंग में, जब हमको सीट अलॉट हुई तो 25 मिनट्स हो गए अनअटेंडेड। सच अ बैड सर्विस, क्योंकि छोटे रेस्टोरेंट में जाके खाइएगा कम से कम आपको सर्विस अच्छी मिलेगी। यहाँ पे आधा घंटा हो गया वेट करते करते, कोई सर्विस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, आधा घंटा वेटिंग में खड़े रहेंगे सीट अलॉट होने के बावजूद आपको कोई सर्विस नहीं मिलेगी अच्छी। होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज शेयर माय वीडियोस टू योर नियर एंड डियर वंस। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए एक्सप्लोर करते हुए। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप डिस्कवरिंग। बाय बाय।